मायावती ने पार्टी से बाहुबली मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ कर दिया। मायावती ने ट्वीट करके बताया कि मुख्तार अंसारी की सीट पर भीम राजभर का नाम फाइनल किया गया है। मऊ से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर। मिशन यूपी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में चुनाव अभियान समिति के 25 नेताओं के साथ आज बैठक। यूपी में कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर चर्चा। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, जो लोग पार्टी को कमजोर बता रहे हैं वो किसी एजेंडे के तहत ऐसा जानबूझ कर कर रहे हैं। वो लोग गलतफहमी में हैं, कांग्रेस की ताकत को नहीं जानते। यूपी में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की लखनऊ में बैठक में बूथ विजय अभियान की कार्य योजना तैयार। कल से पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुरू करेंगे विजय अभियान। यूपी चुनाव को लेकर 13 सितंबर को लखनऊ में बीजेपी का मीडिया वर्कशॉप है। राज्य के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल के अधिकारी शामिल होंगे। अनिल बलूनी, संजय मयूख और स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में सोशल मीडिया पर जुबानी जंग। ट्विटर पर योगी ने लिखा, हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण। अखिलेश बोले, अहमियत तो इस बात की है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी में एफआईआर दर्ज हुई है। भड़काऊ भाषण देने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। यूपी के बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर बड़ा आरोप। बोले, जब से मोदी राज आया तब से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का यूपी चुनाव पर बयान। बोले, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। चुनाव में जाति धर्म आधारित मुद्दों की कोई जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का विपक्ष पर निशाना। बोले, मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करने में कांग्रेस जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इसी में लगे हैं। धर्म निरपेक्ष हैं पीएम मोदी और सीएम योगी। वाराणसी में ओमप्रकाश राजभर ने सभी पार्टियों के ब्राह्मण सम्मेलन पर तल्ख टिप्पणी की है। कहा, अब ब्राह्मण इतने चालाक हो गए हैं कि सभी को पानी पिला देंगे। वेतन, पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जल निगम के कर्मचारियों का लखनऊ में प्रदर्शन। जल निगम को नगर और ग्रामीण इलाके में बांटने का भी विरोध किया। उत्तर प्रदेश के जिलों में सीओ और इंस्पेक्टर की तैनाती में मुख्यालय से बनाए जा रहे दबाव की शिकायत से सीएम योगी नाराज हो गए हैं। उन्होंने जिले के एसपी को निर्देश दिए हैं कि अपने स्तर पर सीओ और इंस्पेक्टर की तैनाती करें। सचिवालय या डीजीपी मुख्यालय इसमें हस्तक्षेप ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी भारत रत्न स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा मंजूर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह होंगे उत्तराखंड के नए राज्यपाल। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बीजेपी पर निशाना। बोले, एनडीए सरकार सिर्फ कॉरपोरेट की सरकार। सरकार को किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों की कोई चिंता नहीं है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।